नमस्ते फ्रेंड, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है और उसके कितने टाइप्स के होते हैं। पहला देखते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में मोस्टली इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ये क्या करता है, ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करता है और डिफरेंट टाइप्स के ट्रैक्शन मोटर को ऑपरेट कराने के लिए क्या देता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। ये मोटर किस टाइप से होता है, डीसी सीरीज मोटर हो सकता है, डीसी एसी सीरीज मोटर हो सकता है या थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो सकता है। ये इन डिफरेंट टाइप्स के मोटर को हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक ड्राइव के ऑपरेट के थ्रू इसको ऑपरेट कराते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम लोग ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझते हैं। इसमें क्या रहता है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जैसे डीसी सीरीज मोटर हो गया या एसी सीरीज मोटर हो गया, थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओईची लाइन जैसे 25 एसी 50 हर्ट्ज सप्लाई से हम लोग क्या लेंगे, करंट कलेक्टर के थ्रू सप्लाई को कलेक्ट करते हैं। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स के मोटर को यूज़ कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग एसी हो गया, डीसी थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो गया, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद इस मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस व्हील्स को ऑपरेट कराते हैं। तो इस ये पूरे प्रोसेस इलेक्ट्रिकली होता है, तो इस प्रकार के मैट ड्राइव को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ड्राइव। अब देखते हैं इसका एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्लीननेस होगा, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा इसके ऑपरेशन होता, ना इसमें हम लोग स्मोक होगा, ना इसमें डस्ट पार्टिकल होगा, इसमें जितना भी ऑपरेशन होगा वो क्लीननेस होगा। अब इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वेरी हाई होता है अदर नॉन टेक्निकल ड्राइव के कंपेयर में। एंड थर्ड होता है इसका जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी होता है वो दूसरे ड्राइव के कंपेयर में भी हाई होता है। इसका एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन हाई होता है जिसके कारण इसका शेड्यूल स्पीड भी हाई हो जाता है। एंड फिफ्थ इसका इफिशेंसी हाई हो जाता है और इसका मेंटेनेंस में भी लोअर कॉस्ट हम लोग को लगता है। और स्मॉल स्टार्टिंग टाइम इसका, इसको ऑन करने में हम लोग जो उसका टाइम होता है, टाइम कंज्यूम होता है, बहुत कम होता है। अब इसमें अनबैलेंस फोर्स, जो मोटर में हम लोग अनबैलेंस फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। अब इसमें अनबैलेंस फोर्स के साथ साथ इसका स्टार्टिंग टाइम भी कम हो गया। अब इसके साथ साथ क्या हो जाता है, इसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी बहुत ईजिली हो जाता है। और ये सेल्फ कॉन्टैक्ट ड्राइव होता है, इसमें अलग से हम लोग क्या करते हैं, वो हम नॉन टेक्निकल सप्लाई की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड 11वां देखते हैं कि इसमें कोई भी हम लोग को कोल वाटर बॉयलर की रिक्वायर्ड नहीं होती। एंड इसमें स्पीड कंट्रोल हम लोग स्मूथली कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चीपर होता है जिसके कारण ये लो कॉस्ट हो जाता है। और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग की प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग के फैसिलिटी के थ्रू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करके इसका भी यूटिलाइज हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव में करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, इसका जो इनिशियली कॉस्ट होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव डिज़ाइन करना हो तो इसमें जो इनिशियली कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है, लेकिन रनिंग कॉस्ट बाकी के कंपेयर में कम होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज में हम लोग इसके इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, इसका कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस हाई हो जाता है। जैसे हम लोग ओईची लाइन करते हैं जिसके कारण हम लोग जो टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं उसका जो इंटरफेरेंस एरिया हाई हो जाता है, जिसके कारण हमको नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, जो इसके डिसएडवांटेज हो जाता है। तीसरा होता है इसको इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इस इलेक्ट्रिक ड्राइव के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक रूट की रिक्वायर्ड होती है, इसको हम लोग कोई भी रूट में ऑपरेट नहीं कर सकते। इफ फॉल्ट, यदि कोई भी फॉल्ट कंडीशन में हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है किसके ओईची लाइन पर। एंड फॉर मेंटेनेंस एंड वोल्टेज के लिए हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, निगेटिव बूस्टर हो गया, डीसी जनरेटर, जिसके कारण इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के ड्राइव होते हैं। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ में देखें तो हम लोग को पहले सेल्फ कॉन्टैक्ट ड्राइव के बारे में देखेंगे और सेकंड देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल फिट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कितने टाइप्स के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम को। और तीसरा होता है हाइब्रिड ड्राइव, एंड चौथा होता है ट्रॉमवे, पाँचवा होता है ट्रॉलीवे, एंड छठवा होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन, या इसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटिव या ट्रेन का इंजन।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल्फ कॉन्टेंट ड्राइव। सेल्फ कॉन्टेंट ड्राइव होता क्या है? अब सेल्फ कॉन्टेंट ड्राइव माने क्या हो रहा है कि ये ड्राइव क्या होगा, सेल्फ के एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा उसके थ्रू क्या करेगा, ड्राइव रोटेट होगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डीजल पेट्रोल डीजल सेट का यूज़ करते हैं, डीजी सेट का यूज़ करते हैं, या पेट्रोल इंजन, मोस्टली हम लोग डीजी सेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन की यूज़ होती है। ये क्या होता है, ये मैकेनिकल कपल होता है डीसी जनरेटर से। ये क्या होता है, ये एनर्जी के थ्रू एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होगा जिसके थ्रू डीसी जनरेटर ऑपरेट होगा, और ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके मोटर ड्राइव में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा जिसके थ्रू ट्रैक्शन मोटर रोटेट होगा। और ये सेल्फ कॉन्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग व्हील के थ्रू भी ले सकते हैं। यदि व्हील के थ्रू जो एनर्जी होता है उसको हम लोग डीसी जनरेटर को ऑपरेट करके भी ट्रैक्शन मोटर को हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। इसका मोस्टली यूज़ हम लोग ऑपरेटर्स, जो ट्रेन में ऑपरेटर्स लगे उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सेल्फ कॉन्टेंट ड्राइव होता है। ठीक, अब सेकेंड आता है हम लोग का इलेक्ट्रिक व्हीकल फिट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। क्या होता है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है जो ओएचई के थ्रू हम लोग लेते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एसी होता है और डीसी होता है। इसको हम लोग दो तरीके से क्या करेंगे, फिट करेंगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। क्या होता है, पहला होता है कंडक्टर रेल सिस्टम जिसको हम लोग मोस्टली डीसी के लिए यूज़ करते हैं, और सेकेंड होता है ओवरहेड सिस्टम जिसको हम लोग एसी के लिए करते हैं। हम दोनों सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। पहला हम देखते हैं कंडक्टर रेल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है इसको हम लोग लोकोमोटिव या कोई भी ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेल के ट्रैक के थ्रू हम लोग इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसमें ओएचई लाइन की रिक्वायर्ड नहीं होती जिस प्रकार डायग्राम में दिया गया है। इसमें ट्रैक के थ्रू हम लोग जो उसको जो कपलिंग करते हैं, ये कपलिंग के थ्रू हम लोग ट्रैक के थ्रू क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्लो होता है किसमें, कंडक्टर रेल सिस्टम में। अब सेकंड आता है हम लोग का ओवरहेड सिस्टम। इसमें हम लोग मोस्टली एसी सप्लाई में इसका यूज़ करते हैं, डीसी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग एसी सप्लाई में ओएचई ओवरहेड लाइन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार दो टाइप्स के हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो डीसी हो या एसी, और उसको हम लोग ट्रैक्शन मोटर में प्रोवाइड करते हैं। अब थर्ड आता है हाइब्रिड ड्राइव। हाइब्रिड ड्राइव क्या होता है, इसमें हम लोग जो इनपुट सप्लाई होता है टू टाइप्स के प्रोवाइड करते हैं। पहला तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया जो ओएचई लाइन से लेते हैं, और सेकंड हम लोग इसमें बैटरी का यूज़ करते हैं जो डायग्राम में दिया है। ओवरहेड से लाइन तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन इसमें बैकअप के लिए हम लोग बैटरी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये बैटरी चार्जिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई फॉल्ट हो तो बैटरी के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल मोटर हो वो ऑपरेट होता है। तो इसे एक और डायग्राम देखते हैं इस प्रकार। ये एक इलेक्ट्रिक ड्राइव का सिस्टम है, जो इंजन है जो क्या रहेगा, जो हम लोग इलेक्ट्रिक और एनर्जी होगा जो बैटरी में कंज्यूम होगा वो क्या करेगा, यदि ये एनर्जी यदि लॉस हो गया, यदि हम लोग सप्लाई ले रहे हैं ऑफ हो गया, तो बैटरी के थ्रू इंजन ऑपरेट होगा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग फोर्थ में आता है ट्रॉमवे। ये ट्रॉमवे और ट्रॉलीवे दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है, इसको हम लोग माइंड में रखें। सबसे पहले हम ट्रॉमवे देखते हैं। ट्रॉमवे में क्या होता है, इसको हम लोग जो ओवरहेड लाइन लेते हैं, डीसी सप्लाई लेते हैं जो 600 वोल्ट डीसी का यूज़ करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग जो पॉजिटिव सप्लाई होता है उसको ऊपर से कलेक्ट करते हैं, और निगेटिव सप्लाई होता है उसको ट्रैक के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग को उसको ओवरऑल डायग्राम देखें तो ये होता है ट्रॉमवे। इसको हम लोग जो ऊपर से ले रहते हैं वो हम लोग को पॉजिटिव सप्लाई होता है, और ट्रैक के थ्रू हम लोग इसको निगेटिव ग्राउंड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब ट्रॉलीवे, ट्रॉलीवे में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई दोनों ओवरहेड के थ्रू लेते हैं। ठीक, तो इसमें ये डिफरेंस होता है, जैसे ट्रॉली हो गया जिसमें हम लोग कोयले खदान हो गए, नीचे हम लोग को ट्रॉली के थ्रू हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल उसको ले जाने के लिए ट्रॉली वे का यूज़ करते हैं मोस्टली। यदि ट्रॉमवे को देखो तो ट्रॉमवे हम लोग को जितना भी यात्रीगण हो या बस के रूप में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब सेकेंड आता है ट्रॉली वे का, ये डायग्राम है देखें तो, ये ट्रॉली वे जिसमें दोनों सप्लाई किसके थ्रू ले रहे हैं, ओवर रोड के थ्रू ले रहे हैं। एंड आता है फाइनली ये ट्रॉमवे भी देख लिए, ट्रॉली वे देख लिए। तो इस प्रकार हम लोग का ड्राइव कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में हम लोग देखेंगे एक ड्राइव और बच गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रेन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि लोकोमोटिव कैसा रहता है जो फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रकार इसको आप अच्छे से रिविज़न कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।